नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के बारे में और जानेंगे आचार्य चाणक्य के अनुसार कि आखिरकार बुरे लोगों को अपने जीवन में कभी भी अच्छे काम क्यों नहीं करने चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार कि आखिरकार बुरे लोगों को अपने जीवन में कभी भी अच्छे काम क्यों नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हम सब लोगों ने अपने जीवन में इस कहावत को तो जरूर सुना होगा कि जब भी अमीर घरों के बच्चे रोते हैं तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि बच्चा लाड से रो रहा होगा। तो वहीं पर जब भी गरीब घरों के बच्चे रोते हैं तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि बच्चा भूख से रो रहा होगा। जानते हैं ऐसा क्यों? कारण सिर्फ एक ही है, दोनों की परिस्थिति का। क्योंकि अमीर घरों में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं होती तो लोग यही सोचते हैं कि बच्चा लाड से रो रहा है। तो वहीं पर गरीब घरों में खाने पीने का अभाव होता है तो लोग यही समझते हैं कि बच्चा जरूर भूख के कारण ही रो रहा है। दोस्तों, बच्चे सभी घरों में रोते हैं, चाहे वो अमीर के घर हो या फिर गरीब के घर हो। लेकिन दोनों लोगों की परिस्थिति समाज के लोगों को सोचने के लिए हमेशा अलग अलग दृष्टिकोण ही प्रदान करती है। दोस्तों, इस जीवन में जब भी कोई सक्षम या यूं कहें कि महान आदमी अपने जीवन में कभी भी किसी गलत कार्य को कर देता है या फिर कर लेता है तो उसे कभी भी कोई कुछ नहीं कहता। तो वहीं पर जीवन में कभी भी कोई बुरा या यूं कहें कि बुरे चरित्र वाला आदमी अपने जीवन में कभी भी किसी अच्छे कार्य को करता है तो ये समाज सदैव उसे धिक्कारता है। वैश्या के हाथ से कोई भगवान का प्रसाद लेना भी पसंद नहीं करता तो वहीं पर ब्राह्मण के हाथ से जल पीने को भी लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। दोस्तों, वास्तव में यही हमारे जीवन की सच्चाई है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आप जीवन में क्या करते हैं और क्या नहीं करते ये आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जीवन में आपकी परिस्थिति और आपका चरित्र कैसा है। यदि आप लोग अपने जीवन में सक्षम हैं और आप अपने जीवन में अच्छे चरित्र वाले हैं तो लोग आपकी गलतियों को आपके जीवन में अनदेखा कर देंगे। लेकिन वहीं पर यदि आप लोग सिर्फ अपने जीवन में सक्षम हैं और आपका चरित्र बेकार है तो आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी सदैव ये दुनिया संदेह और शक की नज़र से ही देखती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जीवन में इंसान को उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। यदि इंसान अपने जीवन में चरित्रवान है तो वो अपने जीवन में हर कार्य को बहुत ही सरलता और सूक्ष्मता से कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों के पास यदि एक अच्छा चरित्र है तो वास्तव में आप अपने जीवन में सबसे धनवान है। क्योंकि जिन लोगों का चरित्र उनके जीवन में अच्छा होता है ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ते हैं और ऐसे लोगों की सहायता के लिए भी समाज और ये दुनिया सदैव तत्पर रहती है। इसीलिए यदि आपके पास एक अच्छा चरित्र है तो वास्तव में आपके पास सब कुछ है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आचार्य चाणक्य की कही गई ये बात आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से संबंधित किसी भी बात को बताने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।